भारत और श्रीलंका के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला। रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंद में शतक जड़कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर के सबसे तेज शतक की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा ने मात्र 43 गेंदों में 118 रन बनाए, जो अपने आप में खास है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 118 रन में से रोहित शर्मा ने मात्र 10 रन ही दौड़कर पूरे किए, जबकि 108 रन उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से बनाए। रोहित ने अपने पारी में 12 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए। बता दें कि भारत ने 20 ओवर में 260 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की पूरी टीम 172 रन पर ही आउट हो गई। श्रीलंका की तरफ से दो ही बल्लेबाज उपल थरंगा और कुशल परेरा ही संघर्ष कर सके। थरंगा ने जहां 47 रनों की पारी खेली, वहीं परेरा ने 77 रन बनाए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।